हम लोग आज पक्की गांव की ढाणी में आए थे, खेतों के अंदर घर था जहां पर हम लोग आए थे। ये इनकी बकरियां हैं बस। सो परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें दिया कि आज इस महामारी के समय में भी परमेश्वर ने मुझे और आप लोगों को मौका यह दिया कि हम मिलकर प्रभु की स्तुति कर सकें और खास करके प्रभु भोज जो है उसे ग्रहण कर सकें। और इसके लिए एक पवित्र वचन बाइबल में से पढ़ते हैं हम लोग, पहला कुरिन्थियों 11:23 में लिखा हुआ है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बैरी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कि अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे यहां लिखा है जिस रात पर यीशु मसीह पकड़वाया जाना था उस रात पर यीशु मसीह ने रोटी ली, उसे तोड़ा और कहा, यह मेरा शरीर है जो मैं तुम्हें देता हूं। और उसके बाद दाखरस लिया प्रभु यीशु मसीह ने और कहा कि यह मेरा नई वाचा का लहू है जो मैं तुम्हें देता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा तुम करते रहना जब तक मैं दोबारा ना आ जाऊं, और जब तुम ऐसा करते हो प्रभु भोज देते हो तो प्रभु की मृत्यु की याद करते हैं। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़ा, कितना सुख और आराम था, और प्रभु यीशु मसीह वहां इस धरती पर आए। जैसे कोई एसी के कमरे में हमेशा रहने वाला हो और वो गर्मी में आए तो उसको कैसा लगता है, स्वर्ग में सुख और राम शांति और छुटकारा था, कोई उसे कोई परवाह नहीं थी, वहां पर सब कुछ था। लेकिन हमारे लिए वो उसने प्रभु यीशु ने स्वर्ग को छोड़ा, हमारे लिए संसार में आए, हमारे लिए वो मनुष्य बने, हमारे लिए क्रूस पे उन्होंने कुर्बानी दी, बलिदान दिया और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठे और स्वर्ग उठाए गए जहां से वो दोबारा आने वाले हैं। और हम ये भी लिखा है कि अपने आप को जांचें जब प्रभु भोज लेते हैं, तो अपने आप को जांचना। आज हम लोग दूसरे को जांचते हैं, हमारा लड़का सही नहीं है, हमारी बहू सही नहीं है, हमारा हमारी जिठानी सही नहीं है, हमारी दरानी सही नहीं है, हमारा भाई सही नहीं है, मतलब दूसरे को जांचते हैं प्रभु भोज लेने के समय, है ना। ये कैसे लेगा, ये कैसे लेगा, ये इसमें तो ये है, इसमें वो है, ये शैतान की सोच होती है, अपने नहीं सोचना। हम लिखा है अपने आप को जांचे, हमें अपने आप को जांचना है। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, इस समय तक अगर मैंने आपको नाराज किया, इस समय तक अगर मेरे से कोई गलती हुई है, मुझे क्षमा करें और मैं इसको ग्रहण कर सकूं, ठीक है। और मैं प्रार्थना करता हूं,
यीशु मसीह ने ब्रेड लिया, उसे तोड़ा और कहा, ये मेरा शरीर है। मेरे परमेश्वर पिता पर यीशु मसीह जी, इस ब्रेड को ब्लेस करें मेरे परमेश्वर पिता पर यीशु मसीह जी, और आपका शरीर जानकर हम इसे ग्रहण करते हैं मेरे परमेश्वर। आपकी ब्लेसिंग हो इस पर मेरे पिता परमेश्वर पर यीशु मसीह जी। और परमेश्वर इसके बाद आपने कटोरा लिया, दाखना से लिया, और आपने कहा, ये मेरी नई वाचा का लहू है। परमेश्वर मसीह जी, आपका पवित्र लहू इसमें मसा करें, ताकि लोग आशीषित पाएं, ताकि लोग फलवंत हों, किसी प्रकार की कोई भी अंधकार की ताकत इनके विरोध में ना हो, इनकी रक्षा करें, इनकी मदद करें, उनके साथ रहें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता पर यीशु मसीह जी, ब्लेस करें। तो आप एक एक करके अपने ले आ सकते हैं, बाद में हम लोग आराधना भी करेंगे थोड़ी देर, और आप प्रभु को उसको ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता पर यीशु मसीह जी, ब्लेस करें। विष्णु ने कहा, मेरे शरीर है जो परमेश्वर पिता पर यीशु मसीह, थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पर यीशु मसीह, इस परिवार को ब्लेस करें, इस परिवार को आशीष दें मेरे प्रभु यीशु मसीह जी। इस परिवार की हर एक अंधकार की ताकतें जो इस परिवार के विरोध में काम करना चाहती है, उन्हें नष्ट करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। आज तक इनसे कोई भी गलती हुई है, कोई भी इनसे पाप हुआ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो क्षमा हो जाए। परमेश्वर मसीह ने नया जीवन दे मेरे परमेश्वर जी। ओरी बारी भी सीधा पर नाम आदि रे भी सीधा बे रे बस सीधा पर अल्लाह बार सब नाम। इस घर से बीमारियां निकले परमेश्वर के नाम से, अंधकार की ताकतें हमेशा के लिए खत्म हो परमेश्वर के नाम से। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें आशीष दे, आशीष दे इनके परिवार पर, आशीष दे इनके धन संपत्ति पर, आशीष दे इनकी खेती पर, आशीष दे इनके पशुओं पर, आशीष दे परमेश्वर मसीह जी। हर एक वस्तु पर आपकी आशीष को मांगते हैं परमेश्वर जी, इन्हें संभाले। हो रही बाना साखा बारा 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 नमा और मेरे रिश्ते करे मेरे मिमी मुखों का तारीफ करे प्रभु जी। हो रही बारा वाला बारा दबारा नमा तेरी बिंद की निडी बिशी दबारा बारा दबारा दबारा नमा ये बिंद की बिशी दबारा निमी यहुवा मैं पुकारता मेरे हल तुझे दिया, यहोवा मैं पुकारता मेरे हल तुझे दिया, यहोवा मैं पुकारता हम लोग सब लोग मुझको सताते हो पुकारता यहोवा मैं पुकारता Chitiya, 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 chit
छोटी छेतिया मेरे घर छेती छेतिया, छोटी छेतिया मेरे घर छेती छेतिया। जदों पुकारा मैं तैनू पुकाया, जदों पुकारा मैं तैनू पुकाया। सुन ले मेरी गल कन्हैया, मेरे मन तू छेतिया। सुन ले मेरी गल कन्हैया, मेरे मन तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे पले यहोवा मैं पुकारदा, मेरे पले यहोवा मैं पुकारदा, मेरे पले तुझे हम लोग आज पक्की गांव की ढाणी में आए थे, खेतों के अंदर
घर था जहाँ पर हम लोग आए थे, और ये हमारी कलीसिया के लोग हैं, चमत्कार चर्च ऑफ जीजस के लोग हैं। और हम लोग लॉकडाउन लगा रहा 3.5 महीने तक, और सब कुछ बंद रहा, चर्च और सब कुछ ही। तो इन्हें प्रभु बोई देने के लिए और इस कोरोना संकट में इनके लिए प्रार्थना करने के लिए हम लोग आए थे कि परमेश्वर इन्हें सुरक्षित रखें, परमेश्वर इनके साथ रहें। यहाँ पर भट्ठे पर हमारे कलीसिया के लोग जो हैं, चमत्कार चर्च ऑफ जीसस के लोग जो हैं, वो मजदूरी करते हैं बेचारे लोग। तो आज उन्हें भी प्रभु भोज देना है, और इसलिए आज यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। परमेश्वर आपके चरणों में आता हूँ, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह जी, इन परिवारों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, इन पर दया और अनुग्रह करें प्रभु यीशु जी, इन परिवारों को संभालें और इनकी रक्षा करें प्रभु जी। आज जब ये प्रभु भोजन ग्रहण करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, इनके लिए स्वर्ग खुले और स्वर्ग खुल कर इन्हें आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। मेरे परमेश्वर इस पूरे परिवार पर आशीष हो प्रभु जी, इनके परिवार पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगता हूँ, इनके परिवार पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष दे, इनके परिवार पर विश्व मसीह के नाम से आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता पर विश्व जी, आपके हाथ में सौंपता हूँ, और इस परिवार को भी आपके हाथ में सौंपता प्रभु जी, इन्हें छुए और इन्हें ब्लेस कर मेरे प्रभु जी, आपकी आशीष इनके जीवन में रहे। रिबारा साखा बरोसिमी कोई भी अंधकार की ताकते, कोई भी शैतान की ताकते इनके विरोध में हो मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, इनके लिए स्वर खुल जाए और स्वर खुल कर इन्हें आशीष कर प्रभु जी, स्वर खुल कर इन्हें आशीष कर प्रभु जी, और अपनी महिमा का इस्तेमाल करो स्वर्ग पिता। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जिस रात का करवाया जाना था उस रात से रोटी नहीं हो गया, धन्यवाद करके प्रभु जी, और उस बात से प्याला भी लिया और किसी के हाथ में मेरा बच्चा खून है नहीं बच्चा रहा, और उसके अंदर से
ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना। स्वर्गीय पिता ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना। करिता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना, मैं तन मन धन तेरी आराधना, मैं तन मन धन। तेरे परमेश्वर इस समय आपके चरणों में आते हैं प्रभु यीशु जी, और इस घर को परमेश्वर मसीह आपके नाम से ब्लस करते हैं। इस घर पर आपकी आशीष उतरे मेरे परमेश्वर जी। आज हमारा इस घर में आना एक आशीष का कारण हो जाए। मेरे परमेश्वर अपने लोगों को संभाल, अपने लोगों की रक्षा कर प्रभु जी। कोई भी अंधकार की ताकत, कोई भी शैतान की ताकत, कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी इनके विरोध में काम ना कर सके। मेरे परमेश्वर इनकी रक्षा करो, इनके परिवार की रक्षा करो, इनके बच्चों की रक्षा कर प्रभु जी, इनके पशुओं की रक्षा कर मेरे परमेश्वर। इनके लिए स्वर खोलें और आशीष करें, दया करें मेरे जीवित पिता, मेरे जीवित परमेश्वर पर यीशु मसीह जी। यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग के पिता प्रार्थना मांगते हैं, ग्रहण करें। परमेश्वर का धन्यवाद, आज प्रभु ने हमें समय दिया कि हम लोग इस जगह पर हैं, और ये भाई जो हैं वो भेड़ बकरियां चराते हैं, और साथ में ही आसपास के लोगों को प्रभु के बारे में बताते हैं, प्रभु के काम को भी करते हैं। लेकिन इनकी भेड़ बकरियां मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी भेड़ बकरियों को ये इनकी बकरियां हैं बस। मेरे परमेश्वर पिता पर यीशु मसीह जी, इस परिवार से दया करो, इन्होंने सर को लोग कोई भी अंधकार की ताकत है, कोई भी शैतानी ताकत इन्होंने विरोध ना हो, इन्होंने रक्षा करो, इन्होंने मदद करो मेरे परमेश्वर जी। आज भी साधा सा होना आशीष का कर्म हो जाए, पूरे खानदान से दया करो, कृपा करो मेरे परमेश्वर जी, सारी प्रार्थना ग्रहण करो। Thank you.
मेरे प्रभु जी इस पूरे परिवार से दया करो, जिन्हें लोगों पिता परमेश्वर के नाम से आशीष हो, फलवंत हो, अगे वन, आत्मक आशा पाँ, शरीर तौर पर आशा पाँ, संसारिक आशा भी पाँ, प्रभु जी हर तरह की आशीष इन्हें जिंदगी रखे, इन्होंने संभालो और इन्हें मदद करो। स्वर्गीय पिता परमेश्वर मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।